हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं की है, तो आज मैं आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी सी। तो शाम का टाइम हो रहा है और आज मुझे रियल में आज एकदम मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरी नींद भी पूरी हो गई है, एकदम बेटर फील हो रहा है मुझे। और मेरे मेडिसिन भी अभी कंप्लीट हो गए, कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया है। और क्या हुआ, उस दिन अचानक से मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। मैं मंगलवार का दिन था, मैंने आप लोग से बात की, मैंने उस दिन रेड साड़ी बांधी थी और अच्छे से हम लोग मंदिर गए और पाव वगैरह पड़े हम आए मंदिर से और सारा दिन अच्छा गया। उस दिन रात को मुझे पता नहीं क्या हुआ, पूरी रात मुझे ना हद से ज़्यादा ठंडी लगी और फीवर, ठंडी के साथ में थोड़ा थोड़ा सर दर्द चालू हुआ, फिर फीवर और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इतना हो गया कि सुबह ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर मुझे बोला एडमिट कर दो। तो वैसे भी टाइम ऐसा कोविड वगैरह का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे बाजू में ही हमको अच्छा हॉस्पिटल मिल गया। वहाँ पर एक भी ऐसा केस वगैरह का कुछ नाम नहीं था, जैसे अच्छा था, मुझे लगा ठीक है मैं यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक हो सकती हो। तो मैं वहाँ पर एडमिट हो गई और पूरे 4 दिन मेरे हॉस्पिटल में गए। चौथे दिन शाम को 8 बजे मुझे डिस्चार्ज मिला और मैं घर पे आई, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत था, शायद मुझे ठंडी लग गई थी, शायद से ठंडी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है इस साल, ठंडी और ठंडी के साथ बारिश। तो जिस दिन मुझे डिस्चार्ज था उस दिन भी रात को इतनी बारिश थी, हम लोग घर पे आए, फिर से मैंने चेंज वगैरह किया और उस दिन से मैं रेस्ट ले रही हूँ थोड़ा। तो आज और 2-3 दिन हो गए, अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज एक बार और मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तो बोले ठीक है अभी मेरा बीपी वगैरह भी, मुझे बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और भी आज भी चेक किया सब नॉर्मल है बोले, तो ठीक है अभी आज से मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैं परेशान हो गई दवाइयाँ खा खा के, छोटी छोटी बात पे इतनी इतनी गोलियां दे देते थे, इतने इतने इंजेक्शन ले लेके नर्सें खड़ी हो जाती थी बाप रे, जैसे मुझे पता ही नहीं क्या हो गया है। और एडमिट थी तो कंटिन्यू मुझे सलाइन के साथ साथ एंटीबायोटिक वगैरह चालू रखा गया, वो ठीक है मेरे लिए ही अच्छे के लिए था, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बॉडी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हाथों में ना ऐसे देखो ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन हो गए मेरे हाथ, नसें नहीं मिलती है मेरे हाथ की, मेरी ये प्रॉब्लम है। ये जो निशान है ना, ग्लूकोज लगाया हुआ निशान, यहाँ पर भी छोटा सा है और यहाँ पर भी देखो। और एंड में उन लोगों ने मुझे पैर में लगाया सलाइन, तो बाप रे ठीक होके घर आ गई, अब ठीक हूँ और बच्चे भी मेरे ठीक हैं, सब ठीक है। फाइनली गाड़ी पटरी पर आई है, घर में आके जो इन लोगों ने किया सब कुछ, लेकिन जो हालत थी घर में आके ना, मेरी आदत ही है, मतलब मुझे शायद ये बीमारी है, जब तक मैं मेरे हाथ से मेरा घर नहीं सेट करती हूँ ना, मुझे चैन नहीं आता। इन लोगों ने इतने अच्छे से संभाला और मेरे हस्बैंड ने 4 दिन मुझे कुछ कमी नहीं होने दी, खाने से लेके नाश्ता लंच डिनर सब, मेरे धुले हुए कपड़े आ जाते थे हॉस्पिटल में और घर में भी अच्छे से किया, और आंटी भी है थोड़ा करने के लिए। तो लेकिन ठीक है अभी मैं आ गई हूँ, अब मुझे आज मुझे घर घर जैसा लग रहा है थोड़ा। तो चलो आज मैं सोच रही कोई रेसिपी बनाऊँ, खाना तो बन रहा है डेली का लेकिन ऐसे हल्का फुल्का ही बन रहा था, तो आज मैं सोच रही कुछ बनाऊँ, तो क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने राजमा भिगोया है, पूर्वी को बहुत दिन से पूर्वी राजमा चावल के लिए बोल रही है, तो आज मैं राजमा चावल बनाऊँगी, देखती हूँ। तो साहिल बैठा है मेरे बाजू में, लेकिन ये लोग बहुत शाय है और पूर्वी अंदर है पढ़ाई कर रही है, और फिर से ये क्लास गए हैं अपने, आज इनका कराटे क्लास है, तो सामने टीवी चालू है, मैं बार बार टीवी में देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था लेकिन अभी मैं ठीक हूँ।
तो चलो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, राजमा चावल बनाती हूँ या नहीं, क्योंकि दोपहर वाला भी खाना रखा है काफी। तो ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।